डायबिटीज में इम्यूनिटी कम होती है, इसलिए उनको जल्दी हो सकता है देर से ठीक होगा, उसमें कॉम्प्लिकेशंस ये जटिलताएं ज़्यादा आ सकती हैं, देर से ठीक हो सकता है और ये भी हो सकता है कि वो ठीक ना हो। डायबिटीज के साथ बॉडी की इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, इसलिए ऐसा संभव है। तो किस तरीके के प्रिकॉशन की जरूरत है अगर किसी डायबिटीज पेशेंट को कोविड? नहीं, उसको पूरी प्रिकॉशन लेनी है, जैसी जो प्रिकॉशन सबके लिए है कि फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, अवॉइडिंग गोइंग टू दी अब जगह जाने जहाँ भीड़ भाड़ की जगह हो वहाँ नहीं जाना, हैंड शेक नहीं करना है और फेस मास्क लगाना है। जो कॉमन ट्रेंड के लिए प्रिकॉशन है वही डायबिटीज़ के लिए प्रिकॉशन है। सर अगर बात करें टाइप 1 और टाइप 2 पर रिस्क जो है वो डिफरेंट पड़ेगा? फ्रॉम कोरोना पॉइंट ऑफ व्यू इट इज सेम, चाहे टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो, दोनों में बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है क्योंकि ब्लड शुगर बढ़ा हुआ होता है, इसलिए उसके कॉम्प्लिकेशन की या जटिलताओं की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। 19 सीजनल फ्लू से अलग होता है? सीजनल फ्लू कोविड 19 जो है दिस इज़ ए न्यू वायरस, बट इट इज़ ए वेरियंट ऑफ सीजनल फ्लू, इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ फ्लू, बट इट इज सो वायलेंट बिकॉज इट म्यूटेटेड। ये बड़ी जल्दी अपना रूप बदल देता है, अपने टाइप्स बदल देता है, इसलिए ये ज़्यादा वायलेंट है। और ये नई वेराइटी है उसी का प्ररूप है, नई वेराइटी है इसलिए इतना वायलेंट है। अभी हमारे पास इसके लिए ज़्यादा ज्ञान नहीं है, ज़्यादा दवाएं नहीं हैं, ज़्यादा वैक्सीन नहीं है, इसलिए ज़्यादा वायलेंट है उसी का प्रारूप। नंबर ऑफ भारत में बढ़ रहे हैं और हालांकि हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी ये साफ कर दिया है कि अब हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। आप क्या कहेंगे एज अ फिजिशियन? ये बात मिनिस्ट्री को पहले ही कह देना चाहिए था, क्योंकि ये पता था कि ये जड़ से नहीं जाएगा। ये कहानी कहना कि 3 मई को लॉकडाउन ख़त्म होगा तो ठीक हो जाएगा, 17 मई को ख़त्म होगा तो ठीक हो जाएगा, या 30 जून को ख़त्म होगा तो ठीक हो जाएगा, ये गलत है। वायरस नहीं ख़त्म होगा, एंड बाई दिस जो हम लोग लॉकडाउन कर रहे हैं इससे इसका सर जाने से रोक रहे हैं, इसका एकदम से बढ़ना रोक रहे हैं। हम इसको ठीक नहीं कर रहे हैं, हम इसको एकदम से नंबर ना बढ़े उसको स्लो कर रहे हैं, उसको पीक स्लो कर रहे हैं, ये इसका ट्रीटमेंट नहीं है। और ये अभी तो आएगा और ये रहेगा भी, एंड इट इज़ नॉट ए जस्ट ए क्योर कि 6 महीने में ठीक हो जाएगा, ये तो हर साल अब आता रहेगा। दिस इज़ ए एडिशन ऑफ अनदर वायरस या अनदर फ्लू इन द लिस्ट ऑफ कॉमन फ्लू। सर आर पीपल विद डायबिटीज मोर लाइकली टू गेट कोविड-19? नो, दे आर इक्वली प्रोन टू डेवलप डायबिटीज, दे आर इक्वली प्रोन टू डेवलप कोविड, बट इफ दे डेवलप देन इट विल बी ए डिफिकल्ट कोर्स, इट विल बी डिफिकल्ट टू रिकवर, इट विल डिलेड इन रिकवरी एंड इट मे नॉट रिकवर, एंड बिकॉज मोस्ट ऑफ द डायबिटीज आर ओबीज ऑल्सो, सो ओबेसिटी इज वन मोर फैक्टर टू डिले द रिकवरी। मोस्ट ऑफ द डायबिटिक्स 33% डायबिटिक्स आर हाइपरटेंसिव ऑल्सो, उनको बीपी भी होता है, सो दे आर अगेन ए वन कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेशन फैक्टर। सो इफ डायबिटिक्स आर इन्फेक्टेड विद कोविड-19 देन द चांसेस ऑफ रिकवरी इज स्लो, डिलेड, मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड मे नॉट रिकवर। प्रिकॉशंस आर ऑलमोस्ट सेम फॉर डायबिटिक्स एंड नॉन डायबिटिक्स, दे शुड अवॉइड गोइंग टू द क्राउडेड प्लेसेस, दे शुड अवॉइड हैंड शेकिंग, दे शुड क्लीन हैंड फ्रीक्वेंटली, दे शुड यूज फेस मास्क, दीज आर द कॉमन प्रिकॉशंस विच दे शुड टेक। आर द रिस्क डिफरेंट? नो, इट्स द सेम, बिकॉज इन बोथ द शुगर इज हाई एंड द बॉडी इम्यूनिटी इज रिड्यूस्ड। इज कोविड-19 डिफरेंट फ्रॉम? नो, इट्स अ टाइप ऑफ सीजनल फ्लू, इट्स अ न्यू वेरियंट, इट्स अ न्यू वायरस विच इज म्यूटेटेड। सम थ्योरीज आर कमिंग इट इज सिंथेटिक वायरस, इट इज अ बायोवीपन, बट आवर नॉलेज इज वेरी लिमिटेड, इट्स अ न्यू वायरस, सो वी डोंट नो द ट्रीटमेंट, वी डोंट नो द इम्यूनिटी, वी डोंट नो द वैक्सीन ऑफ दिस वायरस, सो इट इज डिफिकल्ट टू से इट इज डिफरेंट, इट इज अ टाइप ऑफ फ्लू, बट हाउ इट विल बिहेव लेटर ऑन द टाइम विल टेल, एंड आवर कंप्लीट नॉलेज विल टेक 3 to 6 months, एंड वैक्सीन विल नॉट डेवलप सो सो क्विकली,
एज द मीडिया इज क्लेमिंग दैट इटली हैज डेवलप्ड, फ्रांस हैज डेवलप्ड, नो इट इज नॉट इजी टू डेवलप, इट विल टेक टाइम. इवन पोलियो वैक्सीन टुक 100 ईयर टू डेवलप टू हैव इस्टेब्लिश सेफ्टी, सो इट विल टेक टाइम. In the country increases. Union Health Ministry yesterday said that we have to learn to live with this virus and it's a tough fight. We need everyone's cooperation. Yes, the ministry should have declared earlier because we have already reached into the community spread stage. And this, we have to live with means that this virus is going to stay with us. It will stay with us. Its severity may be reduced or the most of the people may develop immunity, and it is known as herd immunity. When this will develop, only then people will be better and will have no complication. And herd immunity once developed, it is going to take time to develop. And the immunity development is more common in kids. So the people should be avoided, the aged people above 60 people should be avoided to go to the common places. But kids should be allowed to go. 10-15 years boys should be allowed, girls and boys should be allowed to go, so that they should develop the immunity and antibodies.